तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बालमहित रानी नागपुरी लोक कथा के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ हम लोग जब इस कहानी को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद इससे रिलेटेड लगभग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इससे हम लोगों को क्विक रिवीजन तुरंत से हो जाएगा, यानी कि जो हम लोग नागपुरी लोक कथा डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड तुरंत ही क्या कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर सेट कर लेंगे, तो हम लोग का यह जो है नागपुरी लोक कथा क्लियर हो जाएगा। यानी कि इसमें नागपुरी लोक कथा के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो चलिए हम लोग बालमहित नागपुरी लोक कथा आरंभ करते हैं। तो यहाँ पास है कि कहनी कर शुरुआत एक नगर कर राजा से होएला, ठीक है, जेकर दुई बेटी रहें। मतलब ये जो कहानी है उसका शुरुआत एक राजा से होता है, उन राजा का दो पुत्री थी, ठीक है। बड़ बेटी धनमयित रहे तो छोट कर नाव बालमयित रहे, ठीक है। बड़ की बेटी का नाम क्या था, तो धनमयित नाम था, और छोट की बेटी का नाम था बालमयित। दुइयो अगम सुंदर रहें, दुइयो जो हैं दोस्तों अगम सुंदर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि दुइयो राजकुमारी आपन सखी सहेली संगे नहायक लागिन नदी गेलें। तो उन लोग क्या है कि सखी सहेली साथे एक दिन नदी गए नहाने के लिए। नहायक समय छोट राजकुमार बालमयित कर एक ठो केस मूड़ से उखड़ गेलें। तो नहाते धोवाते समय दोस्तों बालमयित जो कि छोटकी राजकुमारी थी उसका एक केस कवर करके और उखड़ गया, ठीक है। वो चिंता करेक लगलक कि कहाँ लुकाऊँ कि छुपाऊँ। मतलब वो चिंता करने लगी कि उसका जो सुंदर केस था, लंबा लंबा केस, उसको कहाँ, जो उखड़ गया था उसको कहाँ लुकाऊँ या छुपाऊँ। नदी ऊपरे से एक ठो बेल फर पोहात आवत रहे, जेके देख के ओहे फर में ढुकाए देना। अब नदी के आगे से क्या है कि एक बेल का फर आ रहा था, तो उसी में तोड़ करके और उसको डाल दी, ठीक है, अपने सुंदर केस को, ठीक है। आगे है कि दूसर नगर का राजकुमार आपन संघी मन संग नदी में नहात रहे, ठीक है। उसी समय दूसरा स्थान के एक राजकुमार था जो कि नदी में अपने दोस्तों के साथ है नहा रहा था, ठीक है। तो ऊपरे से बोहाय आवत बेल के देख के उके जाने कर जिज्ञासा करला कि ई काहे के। अब नदी के आगे से बेल बह कर के आ रहा था, तो उसका मन में प्रश्न उठा कि आखिर ये क्या चीज़ बह करके आ रहा है। बेल फर कर भीतरे गुटेक सुंदर केस देख के अचरज में पड़ गेलें। अब जब बेल के फर को खोला तो उसमें बालमयित छोटकी रानी की राजकुमारी की सुंदर केस था, तो उसको देख करके राजकुमार अचरज में पड़ गया कि जब केस ऐत सुंदर आहे तो उकर मऊवारिन कितना सुंदर होई। वो सोचने लगा कि जब उसका केस जो है इतना सुंदर है तो उसका जो मऊवारिन है यानी कि उस केस का जो मालकिन है वो कितना सुंदर होगी। राजकुमार घर घूर के खटवास पटवास ले लेलक और उकर मऊवारिन से शादी करेक ले बेचैन हो गेलक। अब देखिए दोस्तों, जब राजकुमार घर आया तो वो एक रूम में जा कर के और बंद होकर के बेड पर लेट गया और क्या किया कि वो जो छोटकी राजकुमारी थी बालमयित से शादी करने के लिए क्या हो गया, बेचैन हो गया। अन्न जल त्याग दिलक और केकरों से बात करेक नी लगलक। खाना पीना सब चीज़ त्याग दिया और किसी से भी बात करना नहीं चाहता था। ई बात जब राजा के पता चललक तो परेशान हो गेलक। अब ये बात जो राजा को पता चला कि अनजन नहीं खा रहे हैं और किसी से बात विचार नहीं कर रहे हैं, तो राजा क्या हो गए, परेशान हो गए। राजकुमार के ठीक करे के लिए उपाय कर थकलक मगर कोनो फायदा नहीं मिले तैर बुझाइल। राजकुमार को ठीक करने का बहुत सारा उपाय राजा सोचे लेकिन एक भी रास्ता उनको काम नहीं किया। मतलब राजकुमार अभी तक पैसा ही था, ठीक है। तब एक ठो कुटनी बुढ़िया ई बात के समझलक और राजा से तनिक रुआ और चरखा मांगलक। अब एक ये बात का जो पता है, एक कुटनी बुढ़िया को पता चला तो राजा के पास आई और बोली
कि हमको तनिक रुआ चाहिए और एगो चरखा चाहिए। ठीक है, ई दुयो के लेके और कुछ बूट के खोइचा में राय के राजकुमार ठीन बैठ के चरखा कातेक लगलग। रुआ और चरखा ले करके और अपने खोइचा में यानी कि साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा बूट यानी कि चना को रख करके राजकुमार के पास जा करके बैठ के चरखा के कातेक लगलग। ओकर आगे है दोस्तों कि ई सब बात से परेशान होए कर राजकुमार कुटनी बुढ़िया के सब बात के बताए दिलक कि उकर काले परेशान आहे। और बुढ़िया ओकर से पूछलक कि राजा बेटा राजकुमार आपको क्या दिक्कत हो गया है हमरा के बताऊं। तो ये सब बात सुन करके जो राजकुमार है कुटनी बुढ़िया को सब बात बताया। ठीक है, बात कर भेद जान के राजा और बुढ़िया परेशान हो गए। अब बुढ़िया जब राजा के बताए तो राजा और बुढ़िया दोनों परेशान हो गए और केस कर मवारिन के खोजे के लिए बुढ़िया चल पड़लक। अब जब ये बात पता चल गया कि जिसका यह केस है उसके मवारिन से वह शादी करना चाहता है राजकुमार, तो बुढ़िया उस केस के मवारिन को खोजे चल दी। नदी से नहायक आवत राजकुमारी मन के पाइक उकर परीक्षा ले चाहलक कि खाली सुंदर भय आहे कि बुधगर भी उ आहे। अब बुढ़िया जब दोनों राजकुमारी नदी से नहा करके आ रहे थे तब बुढ़िया उनको देख ली और पहचान ली। और बुढ़िया सोची मन में कि खाली सुंदरे है कि इसमें क्या है, कुछ दिमाग यानी कि बुधगर भी है। बालमैत के जब वो राजकुमार कर फोटो देख तब क्या कर दी बुढ़िया कि रोड पर गिर के कांदे लग ली। तो जब कांद रही थी तो बड़की राजकुमारी वहाँ से उसको बालमैत के बोली कि चलो ये बुढ़िया ऐसे ही नौटंकी कर रही है। लेकिन बालमैत बोली कि नहीं, ये बूढ़ी जो है रो रहे हैं, इनका जरूर कुछ कारण होगा, हम पूछ के ही जाएंगे। तो बालमैत जो है वो रानी से पूछने बूढ़ी से पूछने लगी। ठीक है, तो बूढ़ी जब बूढ़ी से वो पूछने लगी तो बालमैत की बूढ़ी जो है एक फोटो दिखाई। वो राजकुमार कर फोटो दिखाएला तब बालमैत भी इकर प्यार में उमताए जाएला। अब जब बुढ़िया क्या की कि फ़ोटो दिखाई राजकुमार की तो बालमैत को भी वो राजकुमार बहुत पसंद हो गया। बालमैत कर घर वाला मनक मदद से वो राजकुमार के खोजल जाएला। अब क्या हुआ कि अब बालमैत घर आन के वो भी रूम में चल गए। तो एक दिन क्या हुआ कि बालमैत की बहन क्या कर ली कि उसका फ़ोटो देख ली और वो बात अपने पिताजी से बता दी। तो पिताजी को भी बालमैत फ़ोटो दिखाई तो उसको पसंद हो गया। तो मंत्री कर मदद से दुयो राजा कर बीच ब्याह कर दिन निश्चित होएला। ठीक है, अब दोनों को पता चल गया तो ब्याह जो है मंत्री के द्वारा ब्याह के दिन जो है निश्चित हुआ। जब राजकुमार कर फोटो धनमैत देखेला तो उके हिंसगा हो जाएला। अब जब राजकुमार का फोटो जब धनमैत देखती है तो उसको हिंसगा हो जाता है, उसको लग जाता है कि शायद मेरा ब्याह उस राजकुमार से होता। तो बालमैत के उस साजिश रच के मार देख के चाहेला। अब वो सोची कि मेरा शादी उस राजकुमार से कैसे होगा जब हम इसको मार देंगे। तो कन्या के तैयार करे एक बहाना उकर केस में नाग नागिन के बेनी से खोइस देवेला और कोरिया कर फूल से ढाँप देवेला। अब जब जिस दिन शादी था उस दिन क्या कि धनमैत बालमैत की केस बांध रही थी और केसे में नाग नागिन को छुपा दी और उसे फूल से ढाँक दी। नाग नागिन बालमैत कर मुँह में ढुक जाना, नाग नागिन इसको क्या करती है मुँह में ढुक जाती है। बर बाबू और ब्याह कर तैयारी धर ले रह जाएला और बर बाबू उधर मड़वा में बैठले रह जाता है। जब बालमैत मोर जाएला तो राजकुमार उके चंदन काठी से दाह संस्कार करके उराह के नावा भाड़ा में घर ले आने ला। ठीक है, बालमैत जब मर जाती है तो दाह संस्कार ये कर देता है और उसको राह को अपने घर ले आता है। धनमैत राजकुमार से ब्याह करे से फुकाए जाएला, मैंने धनमैत जो है राजकुमार से ब्याह करे से फुकाए जाएला, मतलब राजकुमार उससे ब्याह नहीं करता है। जब राजकुमार घर में नहीं रहेला तो राख वाला भाड़ा से बालमैत सुनसान पहर निकल के घर कर सब सामान के ओरियाई सिरियाई देवेला। तो जब जब राजकुमार घर से बाहर जाता था तो जब उधर से आता था तो देखता था कि उसका सामान जो है सब
अच्छा से सहियारा गया है। ये सब बात के देख के राजकुमार ताजुब करेला और इकर भेद जानने कर कोशिश करेला। अब वो रोज़ रोज़ इसी प्रकार देखता था कि सामान उसका सब इधर उधर बिगा हुआ रहता था, लेकिन जब वो बाहर से आता था तो उसका सामान सहियारा हुआ रहता था। तो जब वो घर से निकल के बाहरे लुइक रहेला तब बालमित भाड़ा से निकलेला। तो एक दिन की बात है, वो सोचता है कि आखिर मेरा सामान को कौन सहियारता है। वो एक दिन बाहर जा करके और नुका करके सब चीज़ देख रहा था। तो जब देख रहा था उस समय बालमित जो है भाड़ा से बाहर निकलती है और घर कर काम करने के लिए चाहती है। राजकुमार घर में ढोक के उके पोटराय लेवेला और भाड़ा में ढुके से रोक देवेला। अब जिसमें काम करके राजकुमारी भाड़ा में ढुक रही थी, उसी समय राजकुमार जो है उसको धर दबोचता है। वो कहेला कि एत जतन से पाए हो तले आब रवरे के का लखे छोड़मू। वो बोलता है कि इतना परेशानी से हम तुमको आज पकड़े हैं तो हम तुमको क्यों छोड़ेंगे। फिर दुयो खुशी खुशी संगे रहक लगलें। तो दोस्तों ये था बालमित रानी का शॉर्ट में सार। अब हम लोग इससे रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कहानी से हम लोग सभी प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि बालमित रानी लोक कथा में राजा कर कै गो बेटी मन रहें। तो दुई गो बेटी मन रहें। राजा कर बड़ बेटी कर का नाम रहे। तो राजा कर बड़ बेटी का नाम रहे, तो राजा कर बड़ बेटी का नाम धनमयत रहे। ठीक है, और छोटकी कर नाम बालमित रहे। ठीक है, बड़की के धनमयत, छोटकी के बालमित। राजा कर छोट बेटी कर का नाम रहे, तो बालमित नाम रहे। चलिए आगे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि राजा कर कौन बेटी कर केस सोना लखे दिसत रहे। तो छोटकी बेटी कर केस जो है सोना लखे दिसत रखे बालमित के। नदी में नहाते नहाते छोट बहिन कर एक ठो केस उखड़ जाए रहे, से के उ का में साइज के नदी में बोहाए देवेला। तो बेल फर में साइज के बोहाए देवेला। आगे है कि नदी में बोहात बेल कर देख के राजकुमार के मन के धैर्य लाने ले कहेला। ठीक है, तो किसको बेल को धर के लाने के लिए बोलता है। तो संघी सखा मन के बोलता है कि बेल को पकड़ करके मेरे पास लाओ। सातवा है कि बाप रे ई केस इतना सुंदर आहे तो ई कर मवारिन और कतना सुंदर होई, से मोय तो उके खोजबे करबूँ और बिया करल बिगुर नी मानबू। ई संवाद कौन लोक कथा से लेल जाए है। तो बालमित रानी से लेल जाए है। राजकुमार केस के का करलक, राजकुमार केस के का करलक बताना है दोस्तों। तो राजकुमार जो है केस को धोती में बांधलक और घरे लेके आ गेलक। आगे है कि राजकुमार के का धैर्य अनलक। ठीक है, तो बताना है कि राजकुमार के जो है वो का धैर्य अनलक, तो जर्जरी धैर्य अनलक। आगे है यहाँ से कि राज भर कर वैद मन आ लय, मगर राजकुमार कर का के नी गमेक पार लय। तो का के नी गमेक करनक बताना है, तो रोग के नी गमेक पार लय। आगे है कि मुके एक ठो चरखा और कटिक रुआ देव तुम्हें बताए पार्बू कि राजकुमार के का रोग धैर्य है। ई बात के कहला, तो ई बात के कुटनी बुढ़िया कहला। कुटनी बुढ़िया अपन खोइचा में का खोइचाए लाइन रहे, तो का खोइचाए लान रहे, तो तनिक बूट खोइचा में लेके आई रहें। आगे है 13 नंबर का प्रश्न कि बुढ़िया राम केकर तस्वीर लेके राज कुंवारी के खोजे निकललक। तो केकर तो राजकुंवर कर फोटो लेकर के राजकुमारी के खोजे निकललक। आगे है कि बुढ़िया रानी छोड़ी के कौन ठन चिन्हलक। तो जब उन लोग नहा धोवा कर महल घूर रहे थे उस समय उनको चिन्ह ली, तो नहाए के महल घूरे के बेरा चिन्ह ली। बुढ़िया राजकुमार कर तस्वीर के धुरवाए देवेला। ठीक है, बुढ़िया राजकुमारी के राजकुमार के तस्वीर किसको दे देती है, तो राजकुमारी को दे देती है, बालमित को दे देती है। राजकुमारी बुढ़िया कर देवल राजकुमार का तस्वीर के का करेला। तो राजकुमारी बुढ़िया के देवल
राजकुमार के फोटो को का करेला बताना है दोस्तों, तो क्या करता है खोइचा में लुकाए के महल घूरेला। चलिए आगे है 17 नंबर का कि का जिनिस के देख के बालमैत कर आँख से लोर पानी ढरकेला। ठीक है, तो किस का जिनिस को देख करके, तो राजकुमार कर तस्वीर को देख के आँख में लोर पानी ढरकेला। मोए बालमैत के सिंगरायक बहाना नाग नागिन कर बेनी गाँच देबूँ उ मोई जाई और राजकुमारी मोके ब्याह कर ले। ई बात के सोचेला कि राजकुमार हमसे ब्याह कर लेगा, तो के सोचेला तो धनमैत सोचती है, यानी कि बड़की बहनिया सोचती है। ब्याह ले कहाँ कर अंगना में मड़वा फंदायलक, तो बताना है कि ब्याह में मड़वा जो है कहाँ गड़ाया था, तो महल कर अंगना में गड़ाया था। दुइयो बट कर नचवैया और बजवैया मन कहाँ हेल गेलें, तो दुइयो बट के नचवैया और बजवैया मन कहाँ हेल गेलें, तो मेर घर में हेल गेलें। आगे है कि बिहाने कन्या दुल्हा के का करल गेलक, तो बताना है कि बिहाने कन्या और दुल्हा के का करल गेलक, तो नहुआवल गेलक। आगे है कि धनमैत अपन बहिन के फीता कर बदली नाग नागिन लेके बेनी गाँक देलक और ऊपरे कर फूल के पिंधा देलक, तो का के फूल के पिंधा देलक यहाँ पास बताना है, तो कोरिया के फूल के पिंधा देवेला। ठीक है, आगे है नाग नागिन धीरे धीरे बालमैत कर कौन दने से उकर काया भीतरे घुस जाला जेकर से बालमैत मोर जाला, तो मुँह दने ले काया भीतरे घुस जाला सेकर से वो मोर जाला। आगे है 24 नंबर का प्रश्न, राजकुमारी के पढ़ाल बाद राजकुमार का के ले के अपने देश घूरेला, तो उकर राह के ले के अपने देश घूरेला। 25 है कि एक दिन राजकुमार कहाँ जाय रहे से खन भांडा ले निकसेला, तो भांडा ले के निकसेला बताना है, तो एक सुंदर छोड़ी भांडा ले निकसती है। 26 राजकुमार अपन कोटरी कर चीज मन के हिने हुने बिक के कहाँ जाय बहाना बाहरे निकस के कौन ठीन दबैर के बैठेला, तो बताना है कि कौन ठीन दबैर के बैठता है, तो दूरा ठीन दबैर के बैठता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि राजकुमारी का में ढुकत रहे कि राजकुमार उके धैर्य पुठारलक, तो वो जो है दोस्तों भांडा में ढुकत रहे उसी समय राजकुमार उके धैर्य पुठारलक। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।